प्रीमियम क्रूजर मोटरसाइकिल के अंदर रॉयल इनफील्ड ने एंट्री ले ली है और उन्होंने अपनी बाइक लॉन्च कर दी है, रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650। तो क्या कुछ आपको अब रॉयल इनफील्ड ने सुपर मीटियोर 650 के साथ दिया है, कितनी कीमत रखी गई है, क्या कलर्स आपको मिलेंगे, कितने वेरिएंट हैं, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी हमारे इस वॉकराउंड वीडियो के अंदर। और मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव और इस वीडियो में हम आपको देंगे वॉकराउंड सुपर मीटियोर 650 का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वॉकराउंड की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सुपर मीटियोर 650 के अंदर आने वाले वेरिएंट और उनकी कीमत के बारे में बता देता हूँ। सुपर मीटियोर 650 को तीन वेरिएंट के अंदर लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट होगा एस्ट्रल, सेकंड वेरिएंट होगा इंटरस्टेलर जो कि मेरे साथ में है, और टॉप मॉडल है सेलेस्टियल। तीनों की कीमत की अगर मैं बात करूं तो 3.49 लाख रुपीस की शुरुआती एक शोरूम कीमत के साथ में आपको एस्ट्रल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद में 3.64 लाख रुपीस की शुरुआती एक शोरूम कीमत के साथ में आपको इंटरस्टेलर देखने को मिलेगा। और बात करें टॉप मॉडल यानी कि सेलेस्टियल की, तो वो आपको मिलेगा 3.79 लाख रुपीस की शुरुआती एक शोरूम कीमत के साथ में। ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.05 लाख रुपीस की शुरुआती ऑन रोड कीमत के साथ में आपको ये मोटरसाइकिल देखने को मिल जाती है। और कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो जो बेस मॉडल है एस्ट्रल वेरिएंट उसके अंदर आपको तीन मोनोटोन कलर्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो इंटरस्टेलर है इसके अंदर आपको दो कलर ऑप्शन मिलेंगे जहां पर डुअल टोन थीम आपको देखने को मिलती है, और टॉप मॉडल के अंदर भी आपको दो कलर मिल जाते हैं और उसके अंदर भी आपको डुअल टोन थीम जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो टोटल आपको सात कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे सुपर मीटियोर 650 के अंदर। तो ये हो गई कलर और प्राइस की बात, अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो वॉक अराउंड की शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट के साथ में, और इस बाइक के फ्रंट डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है रॉयल इनफील्ड की तरफ से पहली बार एलईडी हेडलैम्प सेटअप, जहां पर आपको हाई बीम लो बीम दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर, और ये आपको कंप्लीट एलईडी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बीच में रॉयल इनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाता है, और इस पे अगर आप देखोगे तो क्रोम का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम फिनिश टाइप देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसके बाद में जो टर्न इंडिकेटर्स हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो आपको हैलोजन ही देखने को मिलते हैं, और ये मेरी शिकायत ज़रूर रहेगी अगर आप 4 लाख या 4.5 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, ऑन रोड कीमत दे रहे हैं एक मोटरसाइकिल के लिए प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप आ रहे हैं, तो एलईडी जो है यहाँ पर भी होना चाहिए था। जब कंपनी हेडलैम्प दे रही है तो टर्न इंडिकेटर भी दिए जा सकते थे। इसके बाद में फ्रंट में जो आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है वो भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। यहाँ पर आपको यूएसडी फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं, और ये कैसा काम करते हैं इसके लिए आपको हमारा राइड रिव्यू देखने को मिलेगा। बाकी रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाता है। बाइक के अंदर मेटल बॉडी का अच्छा यूज़ किया गया है, जो आपको फ्रंट मडगार्ड है वो भी आपको मेटल पे देखने को मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये डुअल टोन कलर थीम है, तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में फ्रंट व्हील की अगर मैं बात करूँ तो बाइक के फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क दिया गया है, और यहाँ पर ABS आपको मिल जाता है, वाइब्रेटेड डिस्क हैं ये। इसके बाद में व्हील साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको 19 इंच का अलॉय व्हील कंपनी ने दिया है, और इसके अंदर आपको अलॉय ही देखने को मिलते हैं, स्पोक व्हील का कोई भी ऑप्शन कंपनी ने नहीं रखा है। टायर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 100x90 R19 का टायर मिलता है जो कि सीएट से लिया गया है, और ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं इस बाइक के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया केवल अलॉय व्हील्स ही आपको मिलेंगे, स्पोक व्हील का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड के अंदर जो आपको पहली चीज़ नज़र आएगी वो है ये रॉयल इनफील्ड का नया लोगो जो कि क्रोम पर दिया गया, और काफ़ी प्रीमियम इस बाइक को लुक देता है। साथ ही जो फ्यूल टैंक है वो आपको 15.7 लीटर का देखने को मिलता है, तो काफ़ी बड़ा साइज़ आपको मिलेगा, और लॉन्ग राइड वगैरह आप जाते हो तो वहाँ पर अच्छा फ्यूल जो है वो इस बाइक के साथ कैरी किया जा सकता है। नीचे अगर आप देखोगे इंजन पे तो बहुत कम आपको क्रोम का यूज़ देखने को मिलता है, बस यहाँ पर आपको थ्रोटल बॉडी कवर है इसके ऊपर क्रोम देखने को मिलेगा। बाकी जो पूरा इंजन है उसके ऊपर कहीं भी क्रोम आपको देखने को नहीं मिलता है, जो एग्जॉस्ट पाइप है उसके ऊपर आपको क्रोम देखने को मिलता है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 648 cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, और इस इंजन के साथ में 47 PS की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क इस मोटरसाइकिल से आपको मिल जाता है। 6-speed गेयरबॉक्स आपको यहां पर मिलेगा। इंजन जो है वो नया नहीं है, सेम इंजन रॉयल इनफील्ड की आपको जो इंटरसेप्टर और GT कॉन्टिनेंटल ट्विन्स आती हैं उनके अंदर मिलता है, और परफॉर्मेंस भी आपको सेम ही देखने को मिलती है। बस इंजन को मैप किया गया है एक क्रूज़र बाइक के हिसाब से, और थोड़ा सा आपको वहीं पर डिफरेंस मिलेगा, बाकी पावर वगैरह जो है वो आपको सेम ही ये मोटरसाइकिल देती है, उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। साथ ही जैसा कि आपको इंटरसेप्टर और GT के अंदर डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स मिलते हैं, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर डुअल एग्जॉस्ट पाइप्स देखने को मिलेंगे।
इन एग्जॉस्ट से साउंड कैसा आता है वो मैं आपको आगे सुनवाऊंगा। बाकी एक चीज जो आपको अच्छी मिलती है कि एग्जॉस्ट पाइप को बहुत ज्यादा बाहर नहीं रखा गया है, बाइक से बहुत ज्यादा दूर नहीं रखा गया है, जैसे कि इंटरसेप्टर और जीटी में आपको मिलते हैं, तो ये आपको अच्छी चीज मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये बड़ा सा साइड गार्ड देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको ये हैंडल देखने को मिल जाएगा, जिससे आप बाइक को मेन स्टैंड पे लगा सकते हो। इस बाइक के अंदर आपको साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिल जाते हैं। साइड पैनल आप देखोगे तो ये आपको पूरा मेटल पे देखने को मिलता है। सुपर मीटियोर 650 आपको यहाँ स्टिकर फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसका लॉक सेट देखने को मिलता है, जिससे आप इस पैनल को खोल सकते हैं। और ये पैनल आप अगर खोलते हैं तो इसके अंदर आपको मिल जाता है USB चार्जिंग पोर्ट, जो कि बहुत ही अजीब सी जगह पर लगाया गया है। पता नहीं क्यों कंपनी ने ऐसा किया है, और वो अगर आप देखो तो किसी काम का नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप पैनल के अंदर कोई डिवाइस रखना चाहो चार्ज करने के लिए, तो उसके अंदर उतनी जगह ही नहीं है कि आप कोई भी डिवाइस रख सको। और अगर उससे आप वायर बाहर निकालना चाहो तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं है जिससे कि आपकी चार्जिंग केबल बाहर आ सके। तो बड़ी ही अजीब जगह है यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट, पता नहीं क्यों दिया है कंपनी ने। बाकी यहाँ आपको साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिल जाता है, और बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको ये मोटरसाइकिल मिलती है। साथ ही सीट हाइट जो है वो भी काफ़ी कम है, 740 mm सीट हाइट आपको मिलती है बाइक की। अब ये सुनने में आपको काफ़ी कम लगेगा और है भी, लेकिन ये बाइक शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितनी कि मीटियोर 350 है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर अलग से वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें हम शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए बात करेंगे। साथ ही सीट के अंदर कितना कंफर्ट है और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपको मैं उस वीडियो में बताऊंगा, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी सीट की अगर बात हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट मिलती है। साथ ही कंपनी ने कुछ एक एक्सेसरीज भी लॉन्च की हैं, जहाँ पर आपको टूरिंग सीट मिल जाती है, जो कि इस नॉर्मल सीट से काफ़ी लॉन्ग एंड वाइड होगी, और बैकरेस्ट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, वो भी एक्सेसरी के अंदर है। इंटरस्टेलर वेरिएंट के अंदर आपको बैकरेस्ट भी नहीं मिलता है। इसके बाद में रियर सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिल जाते हैं, जो कि आपको दोनों साइड में देखने को मिलेंगे। और रियर मडगार्ड की तरफ अगर आप चलें तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मडगार्ड देखने को मिलता है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और साथ ही जो ये साइज़ देख रहा हूँ काफ़ी वाइड है, और यहाँ पर आपको LED टेल लैम्प देखने को मिलता है। नीचे अगर आप इंडिकेटर देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया हेलोजन ही दिए गए हैं, नंबर प्लेट लाइट है, इसके बाद रिफ्लेक्टर है। ओवरऑल जो टेल लुक है बाइक का वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, और जो इस बाइक की रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है अगर आप इस बाइक को पीछे से देखते हो। एक तो आपको यहाँ पर डुअल एग्जॉस्ट पाइप मिल जाते हैं, उसके बाद में इतना वाइड आपको साइज़ देखने को मिलता है इसके मडगार्ड का, और इसके मडगार्ड के वाइड होने का रीज़न है इस बाइक का रियर टायर, जहाँ पर आपको 16 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है। 150 सेक्शन का ये टायर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड है और काफ़ी अच्छी ग्रिप भी आपको रोड पर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद में बाइक के रियर डिस्क की मैं बात करूँ तो यहाँ आपको 300 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिलती है, जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। काफ़ी बड़ा साइज़ आपको मिलता है। फ्रंट में आपको 320 मिल जाता है, रियर के अंदर आपको 300 mm मिलता है। डुअल चैनल ABS बाइक के अंदर आपको मिलता है, बाय ब्रेकेट डिस्क आपको मिलते हैं, ब्रेकिंग भी इन ब्रेक से आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये कुछ आपको मिल जाता है बाइक के साइड प्रोफाइल के अंदर। बाकी ये बाइक क्रूज़र सेगमेंट के अंदर आती है, तो फुटरेस्ट पोजीशन आपको काफ़ी आगे देखने को मिलती है, और काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको ये बाइक जो है वो ऑफर करती है। अब टॉप व्यू में अगर आप देखोगे तो फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ये एल्यूमिनियम फिनिश के साथ में फ्यूल लिड मिल जाता है। इसके बाद में सिंगल पाइप हैंडल बार आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन काफ़ी वाइड आपको मिलेगा। और अगर आपको टूरिंग हैंडल चाहिए तो वहाँ पर कंपनी ने एक्सेसरी के अंदर उसका ऑप्शन आपको दिया है। स्विचेस वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं, हालांकि जो स्विचिंग का स्टाइल है वो आपको सेम मीटियोर 350 वाला ही देखने को मिलता है, और क्लासिक में भी यही आता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी मेटल का यूज़ किया गया है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। इसकी वजह से ये एक तो काफ़ी प्रीमियम फील होता है, साथ ही जो इसकी बिल्ड है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, और जो लीवर्स हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। साथ ही एडजस्टमेंट के साथ आपको यहाँ पर लीवर्स मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम रॉयल इनफील्ड की किसी मोटरसाइकिल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मिरर्स आपको क्रोम पर ही देखने को मिलते हैं। बाकी बाइक के अंदर आपको हज़ार्ड स्विच मिल जाता है, तो अगर आपको चारों इंडिकेटर्स को ऑन करना है तो वो आप हज़ार्ड स्विच की सहायता से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के मीटर कंसोल की,
जो कि आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल मीटर मिल जाता है। इसको मैं अगर ऑन करूँ तो इन्फॉर्मेशन भी आपको बता देता हूँ क्या कुछ आपको मिलेगी। तो यहाँ ऊपर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा, डिजिटल फ्यूल गेज आपको मिलता है, क्लॉक आपको मिल जाता है, गियर पोजिशन इंडिकेटर दिया गया है, ट्रिप एफ आपको मिल जाती है, और आपको यहाँ पर ओडो और ट्रिप ए ट्रिप बी आपको मिल जाता है। तो केवल इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगी। नीचे आपको बैटरी का साइन मिल जाएगा, एबीएस इंडिकेशन आ जाता है, इंजन चेक लाइट है, इंजन टेम्परेचर की लाइट आपको मिल जाती है, और ये है रॉयल इनफील्ड का ट्रिपर नेविगेशन, जो कि आपको इससे पहले मीटियोर 350 के अंदर भी मिला था, तो सेम आपको यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड फिटमेंट आपको मिल जाती है, तो एज एन एक्सेसरी आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। लेकिन जो मीटर है वो आपको सेम वही मिलता है जो कि मीटियोर 350 के अंदर दिया जाता है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्रोम देखने को नहीं मिलता है। अगर आप मीटियोर 350 में देखोगे तो वहाँ आपको क्रोम देखने को मिलता है, बहुत मामूली से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो भी लुक्स के मामले में। फीचर्स के मामले में कोई भी नया फीचर ऐड नहीं किया गया, जो कि मुझे कमी लगी है। अगर आप एक प्रीमियम मोटरसाइकिल की बात करते हो तो उसके हिसाब से एटलीस्ट इसके अंदर डिस्टेंस टू एम्प्टी होना चाहिए था, जो कि बहुत बेसिक सा फीचर बन गया है। अब आपको 150-160 सीसी की मोटरसाइकिल्स में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको एक प्रीमियम मोटरसाइकिल में नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको यूएसडी फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ ही कंपनी ने यहाँ पर शोवा के यूएसडी फ्रंट फोक्स यूज़ किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं अपनी क्वालिटी के मामले में। तो ये था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, जहाँ पर हमने बात की रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650 में आपको क्या कुछ ऑफर किया गया है। जल्दी ही इस मोटरसाइकिल के साथ में एक और वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर हम इस मोटरसाइकिल के प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, क्या कुछ इस मोटरसाइकिल के अंदर मुझे अच्छा लगा है, क्या कुछ कमियाँ लगी हैं, उन सबके बारे में उस वीडियो में बात की जाएगी। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उसको मिस ना कर पाएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर से लाइक करें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।